रहा था तब तो वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं आ रही थी ना, चलना पड़ रहा था और फोन भी हिला था ऐसे एकदम, काफ़ी सही दिखता है। देखो ये कुछ ऐसा है, सबसे ऊपर से जो व्यू आएगा नेक्स्ट लेवल आएगा। लेकिन यहाँ से ये वाली जगह है, इससे तो ऊपर है, वो देखो पीछे पूरा भोपाल ही कह सकते हैं, मध्य प्रदेश, भोपाल, सांची, विदिशा, जो भी लगाने लगा लो यही है। ये सबसे ऊपर नहीं, मतलब यही थोड़ा एरिया दिख जाएगा, केव्स वगैरह सारी मतलब कटिंग से ही है, केव्स वगैरह, केव में ताले वगैरह लगा रखे हैं जितने भी हैं। ये देखो अभी भी, और इधर थोड़ा तब धूप की वजह से फ़ोटो थोड़ी ठीक नहीं आती ना, और मैं अकेले मेरी फ़ोटो कौन खींची, तो एक दो बंदे पकड़ लेता हूँ मैं, भैया फ़ोटो खींच दो, तो वो लोग खींचते हैं। बाकी हम यहाँ पहुँच गए हैं, थोड़ा कैमरे के एंगल स्विच करता हूँ। ये नीचे उतरते, थोड़ा नीचे उतर के काफ़ी मतलब कि एक घूमना काफ़ी बढ़ रहा है ना, तो ये है कुछ कुछ तो है ये, अब ये नहीं पता है क्या ये। ये देखो यहाँ भी कुछ बना है, ये भी कुछ आई थिंक पैरों के निशान है, क्या है कुछ नहीं, कुछ पता नहीं लग रहा। और इसके अंदर का तो कुछ दिख रहा शायद, फोकस नहीं हो रहा, छोड़ो, इतना इंटरेस्टिंग मुझे लग नहीं रहा है, या मुझे कुछ पता नहीं है तब नहीं लग रहा इंटरेस्टिंग, यही फैक्ट हो सकता है। क्योंकि काफ़ी बोलते ना आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने इतना समय इस पर व्यर्थ किया है, ऐसे तो किया नहीं होगा। आखिरकार हमें एक केव मिली, ये देखते हैं इसके अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली। टॉप पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके, तो धूप है और धूप में जैसी व्यवहार निकल रही है निकालते हैं, टॉप पे पहुंच के एक सेल्फी लेंगे। हाँ ऐसी जगह से नहीं लगी कि जहाँ से खबरें आती हैं लोगों की, सेल्फी लेते हुए एक इंसान की मौत। ये देखो पहुँच गए हम टॉप पे, ये टॉप है क्योंकि ये देखो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, और भागते भागते लग गए मेरे। ये देखो अभी भी रास्ता कहाँ जा रहा है, बस टॉप यही था, इससे आगे कुछ नहीं है। पहले पानी पी ले, बिना रुके मैं सबसे ऊपर चढ़ गया। देखो वो जो जहाँ से मैं लास्ट टाइम बनाया था कि ये सबसे ऊपर है, नहीं ये है, यहाँ से चलते हैं। ये देखो ये है जगह, क्या बात है, मज़ा ही मज़ा। Thank you.
भी जाना है, और यहाँ से कोई ना व्हीकल वगैरह जाता नहीं है। और ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा वीडियो का पार्ट शूट करने के लिए बनाया था। फोन गिरा नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मैं दिखाता हूँ लास्ट टाइम हवा चल रही है, थोड़ा व्यू दिखा दूँ आप। ये है व्यू, अब मेन आने वाला है ये आगे। ये देखो क्या मस्त व्यू है ना, मन नहीं कर रहा है जाने का, पार जाना तो पड़ेगा। ये देखो बस हम चलते हैं सीधे नीचे, यहाँ से जाएंगे जहाँ से हम आए थे, इधर चलते हैं अपना सब सामान ले सकते हैं। दिनों बाद ये आई थिंक लास्ट टाइम मैं वहीं गया था, क्या बोलते हैं उसे, वैष्णो देवी, तभी ऐसा मतलब चढ़ाई वगैरह कुछ हुई थी, वरना तो ऐसे नॉर्मली होता है। यहाँ से उतरना है, एक आध दो फोटो खिंचवा लेते हैं वहाँ जाके। हम भी वो भाई लोग खींच रहे हैं ना, उनसे फटाफट वहाँ चलते हैं जितना जल्दी हो सके, है ना। वो एक है काफ़ी मज़े वाली, अगर पूरा दिन हो ना कम से कम तभी कुछ हो पाएगा, और तभी कवर नहीं हो पाएगा कितनी ज़्यादा कितनी चीज़ें। अभी चलते हैं पीछे, मसलों पर मसला, क्योंकि सारी जगह ऐसे केव वगैरह नहीं है ना, ये ऐसे वाले। तो उतरते हुए बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है, एक बार पैर फिसला और सीधे भगवान से मिलनी हो जाती है, क्योंकि धड़ घूमते हुए जाओगे, कहीं भी ऐसा रुकने वाला सीन है नहीं। तो अभी तो हम चलते फटाफट नीचे, और उसके बाद वहाँ एक फ़ोटो खिंचवाते हैं और फटाफट कुछ क्षण उदयगिरी केव में, केव्स में जो भी है उस वाले पहाड़ पर नहीं जा पाए, क्योंकि जाना वापस है ना। और यहाँ पर कुछ यार हुआ नहीं है, साधन वगैरह नहीं, लिफ्ट वगैरह लेके जानी पड़ेगी, और टेम्पो वाले तो मतलब नेक्स्ट लेवल चलते हैं यहाँ पे, फटाफट चलते हैं। यही वो भाई साफ साफ सुथ तो नहीं है, आवाज़ गंदी आली आ रही है इस वाली। और ये यहाँ आई थिंक गए थे अब नहीं जाना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, अब वापस जाना है। अभी मुझे आई थिंक 3-4 घंटे हो चुके हैं, और मैं वहाँ से जो था उदयगिरी केव थे वहाँ से मैं निकला था आई थिंक 4 बजे, और जो मैं वहाँ से फिर जो विदेशी करके एक वो है मतलब जगह का नाम, वहाँ स्टेशन पर मैं गया था, तो वहाँ ट्रेन नहीं थी, आई थिंक 7 बजे की ट्रेन थी आखिरी, तो मुझे बस से आना पड़ा। वहाँ से बस से आने में 4:45 से 5:45 मतलब 2 घंटे लग गए, फिर 7:45 से लेके और आई थिंक 8:15 8:30 मतलब 8 बजे तक मैं वहाँ ढाबे वगैरह में था, खाना वगैरह खा रहा था। फिर वहाँ से जैसे कि ना 6:45 तक मैं पहुँच गया था भोपाल स्टेशन पे, और वहाँ से लालगंज ही है ना, हाँ लालगंज है, लाल घाट है। तो वहाँ से आने में मुझे आई थिंक आधा घंटा लग गया था, तो 7:15 से लेके 8 बजे तक मैं खाना खाने के लिए ढाबे में था। और अभी अभी मैं फिर से वहीं आ गया हूँ जैन धर्मशाला में, मतलब कि नेक्स्ट लेवल है